हे गाइस, आज के वीडियो हम बनाने वाले हैं एक कंटिन्यूटी टेस्टर। गाइस ये कंटिन्यूटी टेस्टर एक डिजिटल कंटिन्यूटी टेस्टर होने वाला है। आप देख सकते हो गाइस, इससे लाइट का ब्राइटनेस इतना ज़्यादा आ रहा है। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है गाइस, फिर भी इसका लाइट का ब्राइटनेस इतना ज़्यादा आ रहा है। हम लाइट ऑफ करके आपको दिखा रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका ब्राइटनेस आ रहा है गाइस। इसमें हम एक बजर भी लगाए, तो उस बजर का भी साउंड आपको सुनाई दे दिया होगा गाइस। और गाइस ये पूरी तरह से रिचार्जेबल है। अगर इसकी बैटरी लो होती तो गाइस हम सिंपली फ़ोन चार्ज करते वैसे इसको भी चार्ज कर सकते, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हम मार्केट से कंटिन्यूटी खरीदते हैं गाइस, तो हमारा उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बैटरी लो का ही रहता है, तो इस तरह से हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं गाइस। वीडियो पूरा वॉच करना, वीडियो में एक टू जेड बताऊँ कि ये कंटिन्यूटी टेस्टर कैसे बनाते, आपको एक बार में समझ आने वाला, ये मेरी गारंटी गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर। गाइस हमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए पीवीसी इलेक्ट्रिक पाइप चाहिए, लिथियम सेल चाहिए, पाइप में का एलईडी लाइट लिया हूँ मैं, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट पिन है गाइस, और बजर लिया हूँ छोटा वाला एक मैं, पीओपी स्क्रू, और ये हमारा चार्जिंग सर्किट है गाइस, TP4056। एक वायर भी चाहिए गाइस हमको। तो सबसे पहले हम इस तरह से पीवीसी पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसको इस तरह से बीच से भी काट देते हैं। बीच से काटने के बाद इसको हमको सीधा करना है, तो सीधा कैसे करेंगे गाइस, हम इसको हीट करके सीधा करेंगे। तो लाइटर की मदद से मैं हीट कर रहा हूँ, आप चाहे तो गैस में भी कर सकते अपने घर के। और हीट करने के बाद इसको पूरा सीधा करना है, इस तरह से अच्छे से सीधा करना है गाइस हमको। तो ये हमारा सीधा हो गया है, और इसको एक बार और वेट चीज से और कर देते हैं, दबा देते हैं, तो इससे और ये अच्छे से सीधा हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लेन हो गया गाइस। अब इसको इस तरह से पाइप को रख के इसका साइज ले लेना है हमको, गोल सा मार्क कर लेना है हमको पेंसिल या मार्कर की मदद से। इस तरह से गोल से मार्क करने के बाद गाइस हमको इसको कट भी कर लेना है, तो कट हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लगाते हैं पीओपी स्क्रू, 1 इंच का पीओपी स्क्रू लिया हूँ गाइस, और हमको एकदम सेंटर देखकर इसको टाइट कर देना है, और पूरा टाइट कर देना है, और उस पार से पूरा स्क्रू निकाल देना है हमको कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं गाइस वीडियो में, इस तरह से हमको कुछ निकाल देना है। इसके बाद हमको एक यहाँ वायर कनेक्ट कर देना है। सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सोल्डिंग करने का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अच्छे से हमको टाइट कर देना है, उसके बाद हमको साइज काट लेना, जो हम मार्क किए थे गाइस पेंसिल से, उस साइज से हमको कट कर लेना है। कटर की मदद से मैं कट कर रहा हूँ, आप चाहे तो ब्लेड या किसी चीज़ से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी। ये बहुत ही इजीली कटर की मदद से कट जाता है गाइस। लेकिन तो यहाँ पे हमने जो साइज लिया था उसको काट लिया है गोल से, और ये स्क्रू भी नहीं हिलेगा क्योंकि हमने स्क्रू टाइट किया है, मजबूती है वो। अब गाइस इसको रख देते थोड़ी देर के, और मैंने सेल में 2 वायर सोल्डिंग करके इस तरह से कर लिया गाइस। आप देख सकते हैं बाजार में भी मैंने सोल्डिंग कर लिया 2 वायर, और हमारा लाइट है जो उसमें भी मैंने सोल्डिंग कर दिया। सोल्डिंग क्यों किया हूँ गाइस मैं वायर, वो आपको आगे पता चलेगा। अभी इसको साइड कर देते हैं, और ये देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रिक पाइप का भी टुकड़ा ले लिया हूँ जितना मेरे को ज़रूरत है। सोल्डिंग मशीन से मैं छेद कर रहा हूँ हमारी चार्जिंग कनेक्टर के लिए, है ना, और पेंचिस की मदद से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पूरा अच्छे से टाइट हो जाता है गाइस, क्योंकि उसमें चूड़ी दिया रहता है टाइट करने का चार्जिंग पॉइंट में। तो इस तरह से हमारा चार्जिंग पॉइंट टाइट हो गया है, और अब हमको बजर को भी सेट कर देना है। तो बजर को मैं जस्ट बाजू में सेट कर रहा हूँ चार्जिंग पॉइंट के, तो इसके लिए हमको 2 छेद चाहिए। तो हमको छोटा छोटा छेद चाहिए गाइस बस वायर डालने के लिए। ये देख सकते हैं ये मैंने छेद ले लिया है सोल्डिंग आयरन मशीन से, और इसका जो तार है उसको भी हमको इस तरह से डाल लेना है। अब आपको समझ आ ही गया होगा गाइस मैंने तार क्यों सोल्डिंग किया है। और इसके बाद हमको एलईडी लाइट को भी सेट कर लेते, तो उसको भी
सेट करने के लिए हमको छोटा छोटा दो छेद चाहिए, तो उसका भी छेद कर देते हैं सोल्डरिंग आयरन मशीन से, और उसके बाद इसका भी वायर डाल के इसको भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये भी सेट हो गया है बहुत ही अच्छे से। गाइस ये तीनों को हम अच्छे से चिपका लेते हैं बॉन्ड की मदद से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गाइस, आपको अच्छे से चिपकाना है तीनों को, क्या कि ये बाद में हिले ना और दिक्कत ना दे। अब हमको गाइस लाइट और हमारा बजर है वो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ज्वाइन कर दिया एक साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। और ये बैटरी में मैं बता दूँ गाइस, नीला वाला हमारा पॉजिटिव है और रेड वाला हमारा नेगेटिव। मैं थोड़ा गलत कर दिया हूँ सोल्डिंग के टाइम, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना होना। और एक बार हम इसको चेक करके भी देखते हैं गाइस, तो ये देख सकते हैं हम चेक किए हैं, तो यहाँ तक तो एकदम हमारा कनेक्शन सही है, हमारा बजर और लाइट दोनों चल रहा है। अब गाइस हमको चार्जिंग सर्किट में कनेक्शन कर लेना है, तो ये B+ और B- गाइस हमारा बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होगा, और ये आउटपुट में भी आउट+ आउट-, तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव हमारा लाइट का जो वायर है वहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर हम जो लगाए हैं चार्जिंग पिन, वहाँ कनेक्ट होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी सेम है। गाइज आपको कनेक्शन समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं इसका डायग्राम भी आपको प्रोड्यूस करा दूंगा। गाइज यहाँ पे हमको सेल को डाल लेना इस तरफ से, आप देख सकते हैं उधर से तो डाल नहीं सकता गाइज, आप इधर जगह नहीं है, तो इधर से डाल के जो हमारा सेल है उसका वायर्स उस साइड हम निकाल देते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं गाइज वीडियो में मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमको इसका भी जो वायर है वो निकाल लेना है। अब हमको दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी, पूरा वायर हमारा इधर आ गया है। अब जल्दी से हम सोल्डिंग कर लेते हैं, तो सिंपली गाइस छीलते हैं जल्दी से हम वायर्स को और जल्दी जल्दी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले मैं पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का वायर सोल्डिंग कर रहा हूँ, तो ये हमारा आप देख सकते हो गाइस, मैंने बैटरी का वायर दोनों को सोल्डिंग कर लिया हूँ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब गाइस लाइट का वायर जो हमें साइड ज्वाइन किया था उसका साइड नेगेटिव साइड में कनेक्ट कर देना है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट नहीं करना है, हम जो इस स्क्रू में वायर कनेक्ट किए थे उसको पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में गाइस, कनेक्शन पूरा देखना अच्छे से तभी आपको समझ आने वाला है। यहाँ पे एक बार और समझ लो गाइस, ये हमारा नेगेटिव वायर है जो लाइट और बजर का साथ हम ज्वाइन किए थे, ठीक है। और ये वाला गाइस हमारा पॉजिटिव वायर है लाइट और बजर का जो हम साथ ज्वाइन किए थे, और ये बैटरी का दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हमने कर दिया है सोल्डिंग। और ये जो नीला वाला वायर है गाइस, ये हमारा स्क्रू में जो हम टाइट किए थे वायर कनेक्शन किए थे वो वाला है। तो सिंपली यहाँ तक तो बहुत ही ईजी होगा, कनेक्शन आपको समझ आ गया है गाइस। और ये रेड वाले वायर का क्या करना है वो वीडियो में आगे देखिए, और उससे पहले हम ये बैटरी का सॉरी चार्जिंग पिन का वायर है उसको हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, तो इसको हमको कनेक्ट कर देना है जल्दी से। वाले चार्जिंग पिन का वायर है गाइस, आपको बता दूँ मैं गाइस, ये वाला जो वायर है जो हमारा रेड वाला बच्चा है उसको हमको इस तरह से वायर ज्वाइन करके पीछे साइड निकालना है। तो सिंपली हम वायर ज्वाइन कर देते हैं, वायर ज्वाइन करने के बाद टेप भी मार लेते हैं, अच्छे से टेप मारना है गाइस हमको ये वाला, और इसको पीछे डाल के निकाल देते हैं उस चार्जिंग पिन का भी वायर हम सोल्डिंग कर लिए गाइस, और वायर को भी हम उस साइड निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब एक बार चेक करके भी देख लेते हैं हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं, तो हमारा कनेक्शन यहाँ तक अभी परफेक्ट है गाइस, आप देख सकते हैं। अब वीडियो में बने रहिए गाइस, इसके बाद क्या करना है ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, और चार्जिंग के लिए देख लेते हैं गाइस। तो चार्जिंग का कनेक्टर यहाँ कनेक्ट करके ये देख सकते हैं हमारा लाइट जल रहा है सर्किट से, तो हमारा चार्जिंग भी हो रहा है मतलब बैटरी में गाइस एकदम सही। अब इसको आराम से गाइस हमको अंदर डाल लेना है पाइप के, तो थोड़ा यहाँ पे संभल के काम करना गाइस, मैं भी एकदम संभल के काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे हमको इस तरह से डाल लेना है, पूरा आसानी से आ जाएगा 1 इंच PVC इलेक्ट्रिक पाइप में, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। और एक बार और चेक कर लेना, तो यहाँ पे हमारा जर रहा है गाइस लाइट,
एकदम ओके है। अब इसको हमको क्या करना है गाइस, बॉन्ड की मदद से चिपका लेना है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैं बॉन्ड की मदद से इसको चिपका रहा हूँ। इसको थोड़ा सा दबा के रखना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, 10 से 5 सेकेंड हमको। ये अच्छे से चिपक गया गाइस, लेकिन ये थोड़ा आउट हो गया है, तो इसको हमको काट लेना है ब्लेड की मदद से। और मैं थोड़ा सा ग्लू गन की मदद से भी चिपका दिया हूँ ऊपर से, क्या कि ये बहुत ही मजबूत हो जाए। और इस तरह से हमको काट लेना है गाइस ब्लेड की मदद से, थोड़ा संभाल के काटना गाइस। इसमें हाथ कटने का भी डर रहता है, मेरा थोड़ा सा कट गया है हाथ। तो उसके बाद हमको थोड़ा सा इसको सैंड पेपर से घिस भी लेना, इससे एकदम ही अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा और एकदम चिकना हो जाएगा, दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। लास्ट में इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखने वाला गाइस, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से घिस दिया है, और ये वायर जो हमने डाले थे उस साइड से, वो वायर को हमको कट कर लेना गाइस। मोटा वायर नहीं डाल रहा था गाइस, तो मैं पतला वायर डाल दिया था, तो वो पतले वायर को अभी कट करके हमको सिंपली मोटा वायर ज्वाइन कर देना है। इस तरह से टेप भी मार लेना अच्छे से, और अच्छे से टेप मारने के बाद गठान भी एक मार देना, क्या कि हमारा वायर खिंचाए ना उधर से। तो अच्छे से हमने गठान भी मार दिया गाइस यहाँ पे। वीडियो के शुरुआत में गाइस जो हमने साइड लिए थे गोल पाइप का, उसी साइज से दो कैप काटा था मैं। तो इस तरह से आप देख सकते गाइस, इसको भी हमको चिपका लेना है बॉन्ड की मदद से। इसका भी कवर हो जाएगा फिर पीछे का भी हिस्सा, थोड़ा सा 5 सेकेंड दबा के रखना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और ये यहाँ पे गाइस अच्छे से चिपक गया, मैं थोड़ा सा ग्लू गन भी लगा दिया हूँ ऊपर से, ताकि ये हमारा बहुत ही मजबूत रहे। और उसके बाद हमको इसको भी सैंड पेपर से सिंपली घस लेना है गाइस, इससे हमारा चिकना हो जाएगा अच्छे से लेवल में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका लुकिंग दिख रहा है। इसके बाद गाइस हमको एक नीडल ले लेना है, आप देख सकते हैं, और नीडल का जो पीछे वाला साइड है उसको हमको काट लेना है ब्लेड की मदद से। उसको काटने के बाद गाइस इस तरह से दिखेगा, और इसका कैप भी जो है उसको भी रखे रहना है हमको। और कैप में सिंपली हमको एक छेद करना है गाइस, सोल्डिंग आयरिंग मशीन से कर रहा हूँ मैं, आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करोगे तो बहुत ही इजी है, हो जाएगा। देख सकते हैं हम छोटा सा छेद कर दिए हैं गाइस। छेद करने के बाद हमको वायर को डाल लेना है उसमें, और वायर को स्क्रू में अच्छे से जॉइंट करके गाइस इस तरह से टाइट करना है हमको। और इस तरह से फाइनल लुकिंग इसका आएगा, इस तरह से स्क्रू निकलेगा गाइस उसके सामने साइड से, और पीछे साइड से कैप को लगा के बॉन्ड की मदद से अच्छे से चिपका देते। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी एकदम फाइनल हो जाएगा गाइस, ये देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी एकदम फाइनल हो गया। अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी अभी सही है कि नहीं। यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट है, कंटिन्यूटी बता रहा है। अब गाइस इसको कलर भी कर लेना है हमको, तो मैं ब्लैक कलर किया हूँ गाइस, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। लुकिंग वाइज आप देख सकते हैं गाइस कितना सॉलिड दिख रहा है ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर, और वर्क वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है, ये मेरी गारंटी है गाइस, ये 100%। तो अच्छी लगी होगी गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।